Good morning. Today I am going to discuss the alteration or form of MOA and AOA. Previous class re ame article of association bisoy re detailly discussion korthile. Aji ame taro alteration upare discussion koriya. MOA and AOA ro alteration upare ame discussion koriya. Alteration kono mu taro sub point re apunku sabu jaka bisoy re alteration bisoy re koithili. Alteration ro meaning hunchi change. I mean to say, document jamar ochi MO and AO re. AO and MOA re jo document ochi, se document re amaro previously amme taku jetebele incorporation hochi, se incorporation time re amme taku submit korthauchati ROC pakhare. ROC pakhare amme taku submit korchuti. To submit koriya pore sethire jo document re amme ja kichi bi rule and regulation da bi content and clause amme sub sethire submit korai thauchi. ROC ताकु verified करुची, तापरे आमे सी आमे को certificate of incorporation आमे को submit करुची. I mean to say आमरो जो incorporation stage होची, से incorporation stage complete आला बोली सी आमे को उटे valid proof certificate दूची. Okay, तो एठवा में जाने लेजे आमे को document कौन कौन दरकार? Required document कौन कौन? ना MOA and AOA. MOA and AOA आमे को सबमिट करियो पडियो आ सेति भितरु एमओए हमरो पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एओए हमरो इंटरनल मैनेजमेंट पाई रूल एंड रेगुलेशन जो सब इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन हमरो जो कंपनी रो स्मूथ मैनेजमेंट पाई सेडा सब आमे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रे आमे यूज को माने हम चाहे सेतिरे सबमिट हे थाउची. ओके, सो जते बेले कंपनी इनकॉर्पोरेशन होउची तो से टाइम रे इनकॉर्पोरेशन टाइम रे कंपनी कोन करची ना से सबमिट कर दी थाउची ऑलरेडी से सब जाको. बट टाइम टू टाइम डे टू डे हमर जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होउची हमर कंपनी रो डे टू डे जो डायनामिक अप्रोच होउची आ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखिरी कंपनी कोन करची ताकू किछि अमेंडमेंट दरकार पडची ताकू किछि चेंजेस दरकार पडची रूल एंड रेगुलेशन रे. सो सी पुराना रूल रेगुलेशन को धरी तो कंपनी को चले पारियोनी ताकू किछि नुवा रूल रेगुलेशन दरकार तो ताकू से अपडेट करिया पय चाहुची जेंति हमरो किछि ए हमरो एबे मोबाइल रे किछि एप आउछि तो एप रे हमें ताकू इंस्टॉल कर थौछि किंतु मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनुसार मॉडर्न अपडेट हे थौछि. बट ताकू जदि किछि हमकु रिक्वायरमेंट दरकार पडची तो एप डेवलपर किछि नुआ ऐड से भितर दोउची माने नुआ टेक्नोलॉजी से भितर से ऐड करची त हमकु से टाइम रे किछ अपडेट आसुची त माने आमे हमरो नुआ टेक्नोलॉजी अनुसार हम ताकु अपडेट होबा. ओके, तो से अनुसार कंपनी भी तारो नुआ टेक्नोलॉजी वाइज नुआ मॉडर्न एरा को देखिरि से निजो को अपडेट करिया पय चाहुची. तो अपडेट से केमती करियो से किछ चेंजेस करिया पड़ो त रूल एंड रेगुलेशन रे मु पूर्वरु प्रीवियस क्लास रे जति जो मु कैरेक्टरिस्टिक तार कंटेंट कहिथिली सेथिरे हमरो ऑब्जेक्ट क्लॉज थिला. ऑब्जेक्ट क्लॉज रे कोन थिला एमओ रो ना एमओ रो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज अछि से ऑब्जेक्ट क्लॉज रे क्लियरली गुटे मेंशन हेछि जे कंपनी रो ऑब्जेक्ट से भितर मेंशन हेछि. ओके, एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आई मीन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस आई मीन टू से वॉइडेबल और स्ट्रिक्टली वॉइड वॉइड बी हे जिबो. ओके, तो जदि ऑब्जेक्टिव सेतरी किछि लेखा हिची ताकू छाड़ी देला पर जदि हम किछि काम करछोती ताले सेठा हमरो वॉइड अनुसार पळैबो. तो हमें रूल एंड रेगुलेशन जो एमओए रे लेखा हिची एओए रे जो रूल एंड मैनेजमेंट सब विषय रे लेखा हिची तो ताकू हमें बाहरु अन्य किछि करिवानी आई मीन टू से बाहरु माने एमओए को छाड़ी देला पर तार रूल एंड रेगुलेशन कंटेंट को छाड़ी देला पर जदि हमें किछि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करूछती कंपनी पाई ताले सेटा हमरो वॉइड हे जिवो. ओके, इलीगल बोली हमें ताकू कंपनी इलीगल बोली को आबो. सो कंपनी को कोन करियो पडियो ना टेक्नोलॉजी वाइज मॉडर्न एरा वाइज ताकू डेवलप होबा को पडियो तो सेति पई तार रूल एंड रेगुलेशन जो कंटेंट अछि से कंटेंट को सीए चेंज करि पारियो. ओके, तो सेति पई कोन करिया ना सेति पई किछि स्पेशल प्रोविजन अछि अल्टरेशन. अल्टरेशन रो मीन चेंजिंग. चेंजिंग आई मीन टू से एमओ एंड एओ रे सी चाहिले किछि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करी से जो रूल एंड रेगुलेशन अछि ताकु सी चेंज करि पारियो. ओके, सो कोन कोन चेंज करियो तो आमे प्रथमे एमओए विषय रे पढिया तापर एओए को जिबा. तो एमओए रे फॉर्म विषय रे पढिया कोन अछि एमओए रे. सो फॉर्म ऑफ एमओए में क्या है ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 I mean to say section 14 of Companies Act. Okay. Recent Amendment Act ro section 14 re Memorandum Association ro form I mean to say the table content hochi content re table re
ए बी सी डी ई अछि ओके तो शेड्यूल 1 रो कंपनीज एक्ट रो टेबल नंबर ए बी सी डी ई तो बी कंटेंट रे कोन अछि कैना ए कंटेंट मु कहबे नि कैना ए कंटेंट रे ऑलरेडी मेमोरेंडम विषय रे लिखा हिछि आई मीन टू से टेबल नंबर ए रे मेमोरेंडम तार कंटेंट विषय रे तारे ऑलरेडी डिटेल लिखा हिछि बट तार फॉर्म नंबर जो बी अछि से बी डा का को रिलेटेड ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आई मीन टू से टेबल नंबर बी इट रिलेटेड प्योरली रिलेटेड टू लिमिटेड बाय शेयर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर आसीबो सी जीवो टेबल नंबर बी को ओके तो टेबल नंबर सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो कंपनी टेबल नंबर बी जो अच्छी जो फॉर्म रो टेबल नंबर बी अच्छी सी कंपनी रो लिमिटेड बाय गारंटी और जे कंपनी रो शेयर कैपिटल को होल्डिंग कर नथिबो माने नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ओनली गारंटेड अमाउंट थिबो माने टेबल नंबर बी रे हमर अच्छी लिमिटेड बाय शेयर टेबल नंबर सी रे अच्छी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ओके तो शेयर कैपिटल नथिबो किंतु से गारंटेड थिबो तो सी कैटेगरी जीवो फॉर्म नंबर सी को माने टेबल नंबर सी को ओके तो टेबल नंबर डी कोन अछि ना लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल माने ता पाखरे से कंपनी कंसीडर होतुबो गारंटेड विषय रे आउ से कंसीडर होतुबो शेयर कैपिटल भीतर भी ओके तो टेबल नंबर डी टेबल नंबर ई कोन अछि ना अनलिमिटेड कंपनी को अवरली हम देखियो तो टेबल नंबर ई इंडिया रे लागू नाही बट प्रोविजन अनुसार टेबल नंबर ई अछि तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रो अनलिमिटेड कंपनी को रिलेटेड करछि टेबल नंबर ई सो हमरो टेबल नंबर बी टेबल नंबर सी टेबल नंबर डी ए तीनटा इंडिया रे फॉर्म नंबर रे बहुत ही ज्यादा यूज होछि ओके सो सेक्शन 14 रो टेबल नंबर ए होछि कंटेंट ओके मेमोरेंडम तार कंटेंट तार ऑब्जेक्टिविटी ओके एंड टेबल नंबर बी होछि लिमिटेड बाय शेयर को टेबल नंबर सी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल टेबल नंबर डी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल एंड टेबल नंबर ई कंसीडर टू अनलिमिटेड कंपनी ओके ये जो फॉर्म नंबर जनरली 1 मार्क क्वेश्चन रे से फॉर्म नंबर को टेबल को कंपनी को रिलेटेड करछि एमओए रे ओके कंडीशन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एंड मे बी अल्टर्ड इन द फॉलोइंग वे अल्टर्ड मींस चेंजिंग हे पारिबो ओके तो किछि कंडीशन अछि एमओए जो डॉक्यूमेंट अछि से डॉक्यूमेंट रे किछि कंडीशन अछि जो कंडीशन को हमें यूज करिया पड़ियो तर केतरा कंडीशन अछि से कंडीशन को हमें यूज करले जाईरी एमओए को हमें चेंज करि पारि आई मीन टू से अल्टरेशन करि पारि ओके तो चेंज ऑफ नेम सेक्शन 21 Section 21 lays down the company may change its name, okay, by special provision provided by company law board. Company law board re got a special resolution pass koribaku padibo. Section 21 kouchi company's act ra jodi ame name ku change korche company ra name ku jodi ame change koriyo chaunchoti tale section 21 kon kouchi na got a special provision amaku pass koribaku padibo. कंपनी स्लो बोर्ड रे ओके एंड बट नो सच अप्रूवल इज नेसेसरी इन केस ऑफ एडिशन एंड डिलेक्शन ऑफ द प्राइवेट ओके एंड व्हेन द पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी एटा मो पर कवि बट फर्स्ट चेंजेस होची नेम चेंजेस जदि अछि ताले हमकु स्पेशल प्रोविजन करियो पडियो सेक्शन 21 प्रोविजन कहउछि ना स्पेशल प्रोविजन कंपनी लॉ बोर्ड रे पास करियो पडियो आ कंपनी लॉ बोर्ड रे पास करियार अछि आ केतरा नेसेसरी अप्रूवल अछि इन एडिशन टू डिलीशन ऑफ वार्ड कोनो ना प्राइवेट लिमिटेड जदी पब्लिक लिमिटेड को कन्वर्ट होउछि यानी पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को कन्वर्ट होउछि तो से केस रे किछ अप्रूवल हमकु नबाकु पडिवो हला इन एडिशन टू डिलीशन ऑफ द वार्ड ओके तो डिलीशन ऑफ द वार्ड तो गोटे वार्ड रहउछि हमरो लिमिटेड एंड गोटे वार्ड होउछि प्राइवेट लिमिटेड सो लिमिटेड वर्ड हमें नेम रे यूज करछती जोडा की नेम क्लॉज एमओए रे यूज होची फर्स्ट टाइम रो क्लॉज रे मु सेडा को पढाई थिल ऑलरेडी तो नेम क्लॉज रे से कोन कहउची ना कंपनी जदी पब्लिक लिमिटेड अछि ताले तारो नेम रो आगे रे माने लास्ट को लिमिटेड वर्ड यूज होबो एंड जदी से प्राइवेट लिमिटेड अछि माने प्राइवेट कंपनी अछि ताले तारो नेम रो लास्ट रे प्राइवेट लिमिटेड यूज होबो
जदि से कंपनी चेंजेस हो जाए पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड ओके सो जदि पब्लिक लिमिटेड कन्वर्ट इन टू प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट इन टू पब्लिक लिमिटेड सो ए केस रे कौन करियो पड़ियो ना जो वार्ड अच्छी एडिशन अच्छी डिलेशन आई मीन एडिशन हो डिलेशन भी हो सो सेक्शन 21 कौन कहूँ ना स्पेशल प्रोविजन गोटे पास करियो पड़ियो ना कंपनी लॉ बोर्ड सो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करियो पड़ियो कंपनी लॉ बोर्ड रे सेकंड थिंग होची जदी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड को कन्वर्ट होची आई मीन टू से पब्लिक लिमिटेड भी प्राइवेट लिमिटेड रे कन्वर्ट होची तो से केस रे जो एडिशन होची वर्ड प्राइवेट लिमिटेड 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 प्राइवेट लिमिटेड ए केस रे हमकू सेक्शन 21 कोन कहउची ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करियो पड़ियो ओके तो ये होची फर्स्ट चेंज ऑफ नेम रे जदी किछि एमओआर अल्टरेशन होची तो फर्स्ट सेक्शन 21 कहउची ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करियो पड़ियो सेक्शन 21 कहउची ओके सेक्शन 22 कोन कहउची ना कंपनी रजिस्टर्ड विथ द नेम इज आइडेंटिकल और विथ क्लोजली रिसेमल विथ द एग्जिस्टिंग नेमिंग कंपनी ओके द नेम मे बी चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विथ द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड ये सिमिलरली थिंग्स टा जा मु कहली प्रीवियस जो सेक्शन 21 रे सेक्शन 21 रे कोन कहउची ना आमे नेम को चेंज कर दउ छथि तो सेक्शन 21 रे कोन करियो पड़ियो ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करियो पड़ियो ओके तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करियो पड़ियो कंपनी लॉ बोर्ड रे जदी जदी रजिस्टर्ड होची किथि आइडेंटिकल नेम रे आइडेंटिकल नेम मींस एग्जिस्टिंग कंपनी सहित किछि नेम मिसु थबो पूरा तो मिसु नथु टिके मिसतु ओके द क्लोजली रिसेम टू नेम टू एग्जिस्टिंग कंपनी तो एग्जिस्टिंग कंपनी सहित किछि नेम क्लोजली मिसु थबो जेमते कि आमे फर्स्ट कॉपी कहउछती सेकंड कॉपी कहउछती माने सेम सिमिलरली देखियो माने एडिडास कंपनी थबो आमे एडिडास कंपनी यूज करछती तो फर्स्ट कॉपी प्योरली नेम तो यूज करि परियोनी काहेना से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी रहछि किंतु जदि सीए क्लोजली रिलेटेड नेम जदि यूज करछि कोनोसी एग्जिस्टिंग कंपनी रो ताहले जदि से नेम को चेंज करियो पड़े से जगह रे सेम केस रे जदि से कंपनी को जदि नेम को चेंज करियो पड़े ताहले से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिया दरकार नै तको किछि भी नीड नो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिया स्पेशल रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रो मींस स्पेशल रिजोल्यूशन माने सब शेयर होल्डर को कंसेंट करियो पड़ियो ओके ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन माने बोर्ड ऑफ मेंबर बिषय रे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन गोटे पास कराबो मेजॉरिटी को नै रे हम ताको चेंज करि परिया सो तो नेम जदि हमें से जगह रे जदि किछि क्लोजली रिलेटेड नेम हे होची जदि कॉपीराइटेड रोय होची नेम आई मीन टू से एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी से नेम रे से एग्जिस्ट हे रहछि हमें ताकु किछि नेम को चेंज करी से टाइप रो नेम रखी छथि तो से केस रे हमें फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी रे पड़ोची कंपनी रो नेम तो से केस रे जदि कंपनी जदि चेंज करियो पई चाहूची नेम को ताले से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करियो जेंति प्रीवियस कंपनी लॉ बोर्ड रे से जेंति पास करछि ओके तो सेक्शन 21 कोन कहउची जदि पूरा नेम को जदि चेंज करियार अछि ताले सी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करियो पड़ियो कंपनी लॉ बोर्ड रे एंड सेक्शन 22 कोन कहउची ना जदि क्लोजली रिलेटेड अछि एग्जिस्टिंग कंपनी सहित ताले कंपनी कोन करि परियो ना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करि परियो जेंति प्रीवियस कंपनी लॉ बोर्ड रे जेंति सी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करथला ओके तो चेंज ऑफ नेम अगेनली मु ताको रिवाइज कर दोची ना सेक्शन 21 लेस डाउन दैट द कंपनी मे चेंज इट्स नेम बाय स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय कंपनी लॉ बोर्ड ओके एंड सच अप्रूवल इज नेसेसरी इन केस ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट व्हेन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मे बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सेम केस सेक्शन 22 चेंज नेम बट स्पेशल रिजोल्यूशन दरकार नहीं बस स्पेशल प्रोविजन तक दरकार नहीं सिंपली तारो नेम एग्जिस्टिंग कंपनी गोटे अछि ता नेम सहित जदि तारो नेम जदि किछि रिसेमल होउछि और किछि मिसि जाउछि तो से केस रे कोन होउछि द नेम मे बी चेंज्ड ऑफ एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विथ द प्रीवियस अप्रूवल कंपनी लॉ बोर्ड ओके तो ये गोटे कंडीशन एमओआर अल्टरेशन रे ओके तो चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन ओके ये हूँ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक कहीं ना कंपनी रो मेन ऑब्जेक्टिव एथिरे ही था कंपनी रो जो प्रॉफिट मोटिव कंपनी रो जो एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव क्लॉज रे था ऑलरेडी कंटेंट रे ऑब्जेक्टिव क्लॉज रे पढ़ दिले इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लॉज ऑफ एमओए इट डिसाइड द कंपनीज ऑब्जेक्टिव
or activities of the organization. Any act beyond the scope of memorandum is ultra vires or void and void. Okay. So any act scope beyond the scope of memorandum is void. So jodi objective ro jodi kichi expensive kaam am jodi karuchanti extra activities jodi ame kichi karuchanti tale seida void re palaibo. Okay. So ame jodi object ku change kariyar achi tale amaku ethi bi alteration daba padiyo a pai bi section achi provision achi companies act re. So kon kon achi section 17 ru 19 section 17 ru 19 of the companies act state the object clause of memorandum can be changed. I mean to say section 17 to section 19 kon kouchi companies act ro ame jodi chaiba company jodi chaibo tale tar object clause ku si change kari paribo. Okay, but kon kon kari paribo seta section 17 19 ochi. Section 17 19 mu pura detail ed diya ini केवल इंपोर्टेंट टॉपिक जा कि ऑब्जेक्ट क्लॉज रे हमकु दरकार कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट हम जा को मन रखि पारिया से टॉपिक जा को मैं भितरे दे छी. ओके तो ठीक है हम सब डिस्कशन कर दवा. टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर इकोनॉमिकली मोर एफिशिएंटली आई मीन टू से कंपनी जदी चाहिबो ताले सी तार बिजनेस को मोर इकोनॉमिकली तार बिजनेस को और एक्सपेंड करि परियो और मोर एफिशिएंट भी करि परियो. ओके so second point hochi to attain its main purpose by new and improved means. Okay tar main purpose kon company ro jodi se chaibo tale se new kon se new business tar achi ba new subsidiary business achi se seida ko add kari pario nai to jo business achi tar existing business ja achi taku se growth bhi kari pario improve kari pario. Okay to enlarge and change of local area of its operation I mean to say jodi company jodi cha jodi tar nijo area re se business karuchi tale se nijo business ku enlarge kari pario I mean to say tar local jo area achi se area ku se develop kari pario tar business ku aur expand kari pario to enlarge kari pario nai to change bhi kari pario local area of operation. Okay next hochi kono to carry on some business kono kono carry kari pario under existing circumstances mane जो बिजनेस से करूची ऑलरेडी टू कैरी ऑन सम बिजनेस माने बिजनेस से किछि ऐड करि परियो माने सम बिजनेस भितरे से ऐड करि परियो अंडर एक्जिस्टिंग सर्कमटेंसेस माने आई मीन टू से बिजनेस रे जो किछि से जो निजरो जो एक्जिस्टिंग बिजनेस अछि सेथिरे से कोन बिजनेस ऐड करि परो मे एडवांटेजेस कंबाइंड विथ द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम जो स्पेसिफाइड हे छि ऑर्गेनाइज द एमओए रे जो बिजनेस रे तारो जा भी से ऑब्जेक्ट जोडा मेन ऑब्जेक्टिव सेटा जो तारो स्पेसिफाइड हे छि ता से तो किछि एडवांटेजेस से कंबाइन करि पारि आई मीन टू से जुड़ी पारि. ओके बिजनेस टू रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट रे कोनोसी प्रकार माने एमओए रे जो ऑब्जेक्ट्स अछि ताकु से कोनोसी प्रकार स्पेसिफाइड करि पारियोनी जोडा मेन ऑब्जेक्टिव तार अछि से मेन ऑब्जेक्टिव को छाडी देले से अन्य को ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाइड करि पारिबो नाही. जदी फॉर एग्जांपल गोटे बिजनेस अछि जार बिजनेस रो काम ओनली सर्विस प्रोवाइड करिया तो तार मेन ऑब्जेक्टिव अछि सर्विस तिस सर्विस रे से तार ब्रांच करि पारियो एनलार्ज करि पारियो लोकल एरिया को कन्वर्ट करि पारियो लोकल एरिया रो मेन एरिया को भी नै पारियो मेट्रो एरिया को भी नै पारियो बिजनेस रो से अदर सर्विस बिजनेस अदर सर्विस सेक्टर जा छि से सेडा को सेथिरे यूज करि परियो बट तारो जो ऑब्जेक्टिव अछि सेथिरे अन्य ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाइड करि परियो तो स्पेसिफाइड करियर राइट्स नाही टू रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम आई मीन टू से ऑब्जेक्ट जो अछि से स्पेसिफाइड करि परियो नि जो नो ऑब्जेक्टिव से जा अनु छि सेडा को से स्पेसिफाइड करि परियो नि जो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने से मेंशन कर छी जे मु ए बिजनेस करी भी मोर ऑब्जेक्टिव एडा तो से ऑब्जेक्टिव को से सेडा ही करियो पडियो ता सहित तो से ऐड करी परियो इनलार्ज करी परियो बिजनेस को बट तार जो स्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्टिव अछि से ऑब्जेक्टिव को से स्पेसिफाइड करी परियो. ओके टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी से यदि चाहिबो ताले से बिजनेस रे सेल करी परियो डिस्पोज करी परियो और एनी पार्ट बिजनेस रो जा भी अछि सेडो से अंडरटेकिंग करि परियो सो एटा अल्टरेशन तार हेई परियो कंपनी रे. ओके एंड टू एमलगेमेट विथ एनी अदर कंपनी और बॉडी ऑफ पर्सन जदी से चाहिबो ताले एमलगेमेट भी हेई परियो अन्य कंपनी संगे रे
और अन्य बॉडी कॉर्पोरेट संगे जे चाहिए जदि इनकॉर्प माने अमलगमेटेड अमलगमेशन मींस मिसी जीवा ता सहित सी अमलगमेटेड हेई पारियो। ओके ये किछि ऑब्जेक्टिव अछि हमरो एमओए रे ऑब्जेक्टिव्स नै अल्टरेशन अल्टरेशन मींस ए सब जको चेंजेस अछि ए सब चेंजेस चाहिए जदि एमओए रे हेई पारियो। ओके कोन हेई पारियो नी तो सिंपली ऑब्जेक्टिव को सी स्पेसिफाइड करि पारियो नी बाकी सब सी करि पारियो ऑलरेडी ए सब जक अल्टरेशन रो ऑलरेडी 17 टू 19 सेक्शन भितरे ऑलरेडी ए सब जक डिस्कशन हेची। ओके नेक्स्ट चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मींस कंपनी रे जो ऑफिस रोचे जर तार हेड ऑफिस ओरिजिनल ऑफिस। ओके जदि सी ता ऑफिस को चेंज करूची आई मीन टू से तार हेड ऑफिस गोटे मेट्रो एरिया रे अछि सी चाहन छै जे तार बिजनेस रे जो हेड ऑफिस अछि कि ओरिजिनल ऑफिस अछि सेठ किछ प्रॉब्लम होछि तो सी सेडा को चेंज करिया पय चाहू छै बा ता सिचुएशन क्लॉज आई मीन टू से मेमोरेंडम एसोसिएशन रे हमें सिचुएशन क्लॉज बिषय रे पढिले सिचुएशन क्लॉज रे कंपनी रो जो ऑफिस रोछि तार फैक्ट्री रोछि तार फैक्ट्री प्रीमाइसेस रोछि सब जको सिचुएशन क्लॉज रे अंडर आसीउ माने सिचुएशन क्लॉज रो मींस से सेट को एरिया रे से सिचुएटेड हेची तार एड्रेस प्रूफ सब से भीतर मेंशन हेथियो। ओके तो सेडा क्लॉज रे रही होची तो क्लॉज को जदी हमें चेंज करिया रछि एमए को जदी हमें चेंज करिया रछि तो हमें ऑफिस को जदी चेंज करिया तो हमें सिचुएशन क्लॉज को हमें चेंज करिया पडियो आई मीन टू से अल्टर करिया पडियो तो चेंज ऑफ ऑफिस इंक्लूड जदी हमें जदी चेंज करछते ताले कोन करि परिए सिंपली जदी हमें चाहिबा रजिस्टर्ड ऑफिस आई मीन टू से सिचुएशन क्लॉज को हमें जेमती चाहिबा सेमती सिचुएशन क्लॉज को चेंज करि परिए आई मीन टू अल्टरेशन करि परिए सिंपली कोन करि परियो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस गोटे जगह रो आउडे जगह को कुछ चेंज करि परिया इन द सेम सिटी और टाउन और विलेज से एरिया रो अन्य को जगह को हम जदी चेंज करि परिया ताले अल्टरेशन कंपनीज एक्ट रे ताको परमिशन अछि से चाहिबो जदी सेम सिटी सेम टाउन सेम विलेज से एरिया रो लोकेशन को से चेंज करि परिबो। ओके पॉइंट 2 चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन इन द सेम स्टेट रो गोटे टाउन रे तारो रजिस्टर्ड ऑफिस अछि से जदि चाहिबो तार रजिस्ट्रेशन ऑफिस को अन्य सिटी को सीए कन्वर्ट करि परियो माने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस को सीए ट्रांसफर करि परियो। ओके तो नेक्स्ट होछि चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आई मीन टू से गोटे स्टेट रे तारो रजिस्टर्ड ऑफिस अछि सी ता ऑफिस को अन्य स्टेट को भी ट्रांसफर करि परियो। ओके तो ये सिंपली अल्टरेशन अछि रजिस्टर्ड ऑफिस आई मीन सिचुएशन क्लॉज को जदि हमें चेंजेस करूछते ताले सिंपली जेमति चाहिबो से सेमति चेंज करि परियो। ओके बट गोटे रेस्ट्रिक्शन अछि जदि से चाहिबो तारो ऑफिस को आउटसाइड इंडिया कन्वर्ट माने आउटसाइड इंडिया को सीए शिफ्ट करि परियो नि बा ट्रांसफर करि परियो। ओके गोटे स्टेट रो आउट स्टेट को नै परियो गोटे टाउन रो आउट टाउन नै परियो सेम स्टेट रो आउ सेम सेम लोकालिटी रो आउट सेम लोकालिटी को नै परियो ता एरिया रो। ओके तो एमिति करि परियो बट आउटसाइड इंडिया नै परियो नि एडा आट रे नै। ओके तो इंडिया रे से जोड़े भी चाहिबो सेडी से चेंज करि परियो तारा सिचुएशन क्लॉज को। ओके नेक्स्ट होचे हमरो अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मींस ऑलरेडी कैपिटल क्लॉज रे हमें एमओए रे कैपिटल क्लॉज रे हमर डिस्कशन हेत होची जे कंपनी रो केते ऑथराइजेशन कैपिटल रहइबो ऑथराइज्ड कैपिटल केते रहइबो से थ्री से मेंशन हेत होची बट कंपनी रो डे टू डे रिक्वायरमेंट अनुसार कंपनी रो कैपिटल भी रिक्वायरमेंट हुए सो जदी कंपनी रो रिक्वायरमेंट होची कैपिटल रे सो से कोन करि परियो ता कैपिटल को से इंक्रीज करि परियो इन डे टू डे ट्रांजेक्शन ताको लागू छि जे मोर बिजनेस ग्रोथ होउछि मते कंपनी रो जो कैपिटल अछि से कैपिटल को मु जति ऑथराइजेशन कैपिटल दे छि से कैपिटल मो पे एनफ नो तो मु मोर कैपिटल जो अछि मो सो कैपिटल को मु एनलार्ज करिया पय चाहू छि आई मीन टू से मु बढाया पय चाहू छि जो ऑथराइजेशन कैपिटल अछि कंपनी रो एसोसिएशन कैपिटल क्लॉज रे कोन कहउछि ना कंपनीज एक्ट एमओए रो कैपिटल क्लॉज कहउछि ना ऑथराइज्ड कैपिटल एमओए रे जो मेंशन है छि ताठू अधिक कंपनी पब्लिक को इशू करि परिबो नै सो ताकु जदि दरकार जो पार्टिकुलर कंपनी को से कैपिटल रो रिक्वायरमेंट जदि अछि ताले सी कोन करियो तो ताठू तो अधिक सी इशू करि परियो नै सो सेम केस रे सी कोन करियो पडियो ना कंपनी को
सेम केस रे से तार कंपनी को तार जो कैपिटल क्लॉज अछि एमओ रे ताकु से चेंज करिया पड़ियो आई मीन टू से ऑथराइज्ड कैपिटल अछि ताकु इंक्रीज करिया पड़ियो ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज केमती करियो एमते नै जे मन इच्छा काट दबा हमें 5 करोड़ लेखि छथि काट दबा 25 करोड़ कर दबा सेमती त होबनी तो सा पई अल्टरेशन करिया पड़ियो कंपनी रो तो केमती अल्टरेशन करिया पड़ियो दिस मे इंक्लूड अल्टरेशन इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल ऑथराइजेशन कंपनीज एक्ट रे अछि जे आमे जदि चाहिबा हमरो कैपिटल को इंक्रीज करि परिबा ओके चाहिबा जदि आमे कंपनी रो ऑथराइजेशन कैपिटल जो अछि ताकु रिड्यूशन भी करि परिबा ओके और वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट जो कंपनी रो जो शेयर होल्डर मान का राइट अछि से राइट को आमे चाहिबा जदि वेरिएशन करि परिया वेरिएशन माने चेंजेस करि परिया ओके एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल आमे जदि चाहिबा रिजर्व कैपिटल क्रिएशन करि परिबा एडा फुल्ली राइट्स अछि बा फुल्ली अल्टरेशन अछि कंपनीज एक्ट रे ओके सो सिंपली कंपनीज एक्ट कोन कहउछि ना आमे जदि चाहिबा ए चारिटा केस कैपिटल क्लॉज रे अल्टरेट करि परिया ओके कोन कोन अल्टरेट करि परिबा ना अल्टरेशन ऑफ इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल इंक्रीज करि परिया आमे कैपिटल को सिंपली से फर्स्ट रे ही कहि दउछि जे आमे कैपिटल को इंक्रीज करि परिया कैपिटल क्लॉज रो एमओ अंडर जो कैपिटल क्लॉज अछि हमरो जो ऑथराइजेशन कैपिटल अछि से ऑथराइजेशन कैपिटल को आमे इंक्रीज करि परिबा सेकंड होछि आमे जदि चाहिबा हमरो जो ऑथराइजेशन कैपिटल अछि ताकु रिड्यूस भी करि परिया ओके तो वेरिएशन शेयर होल्डर राइट्स को आमे वेरिएशन करि परिया लास्ट रिजर्व कैपिटल को आमे क्रिएशन करि परिया ओके तो ये होछि हमरो कैपिटल क्लॉज अल्टरेशन सिंपली अल्टरेशन ऑफ एमओए एमओए रो अल्टरेशन सिंपली एती अछि आरे बहुत गुडी अछि मु सिंपल इंपोर्टेंट केतरा क्लॉज को डिस्कशन करली फर्स्ट टाइम रो डिस्कशन थिला फर्स्ट टाइम डिस्कशन थिला नेम 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 क्लॉज जदि हम चेंज करियार अछि त नेम क्लॉज पई कोन करि पारिया ओके सेकंड क्लॉज हमर कोन थिला ना ऑब्जेक्ट क्लॉज रे हम कोन करि पारिया कोन करि पारिया नि ओके ता विषय रे अल्टरेट अछि ओके एंड थर्ड स्टेज रे हम कोन थिला ना सिचुएशन क्लॉज आई मीन टू से रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज आकु भी हम केमथि चेंज करि पारिया कोन अल्टरेशन आ पई अछि कोन प्रोविजन अछि ओके एंड लास्ट टाइम हमर थिला कैपिटल क्लॉज रे हम कोन चेंज करि पारिया ओके ये सिंपली चारिटा क्लॉजेस रो अल्टर कु नेरी अल्टरेशन ऑफ एमओए को डिस्कशन कराई छी ओके तो नेक्स्ट टाइम हमर जो अछि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रे ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोन आ तार कंटेंट आपर हम डिस्कशन कर छथि नेक्स्ट एबे फॉर्म ऑफ आर्टिकल एंड इट्स अल्टरेड आई मीन टू से जो कंडीशन अछि से कंडीशन रे कोन अल्टरेड होउछि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिमिलरिटी एमओए रे केमते आर्टिकल अल्टरेड हेतिला चारिटा केस रे हम अल्टरेड कले एबे केमते अल्टरेड रो प्रोविजन थिला ओके सेम केस इन केस ऑफ एओए एओए रे भी अल्टरेड अछि एओ रे भी फॉर्म अछि कोन कोन फॉर्म हमकु फिल अप करिया पडियो को फॉर्म अंडर आछि एंड आरो अल्टरेट केमति होछि ओके तो सिंपली टेबल नंबर ए इट डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सिंपली ए और बी सेम केस जदि हमे मन रखिया पई चाहे ता भी इजी रे मन रही जीवो काहे ना सेम केस एठी जेमति होछि एम और बी से टाइप रे ही होछि सिंपली केवल टेबल नंबर ए कोन कहउछि ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आई मीन टू से टेबल नंबर ए रे ऑलरेडी लिमिटेड बाय शेयर एमओए के एमओए अंडर रे अछि एंड एओ रे अंडर रे अछि सो सिंपली मो साइज इनसे रिपीटेड कर दउ छी टेबल नंबर बी कोन कहउ छी ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय शेयर्स टेबल नंबर सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल टेबल नंबर डी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी विथ हैविंग शेयर कैपिटल टेबल नंबर ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर अनलिमिटेड कंपनी सो सिंपली टेबल नंबर ए टू ई बोथ कंसिडर्ड विथ एमओए एंड एओए ओके तो फॉर्म रो कोनोसी प्रकार डिस्कशन नाही ओके तो आमे जीबा अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सिंपल अल्टरेशन
बहुत गुड़ी अल्टरेशन आमे जदि चाहे अल्टरेशन करि परिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रो एयर जो अल्टरेशन अछि से एयर जो अल्टरेशन को आमे आराम से चेंज करि परिया काहे कि ना ये जनरली रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल मैनेजमेंट आइतिया जोगु एटा इंटरनल भितरे ही रहउछि तो इंटरनल भितरे आमे जेमति चाहे आमे सेडा को चेंजेस करि परिया तो ता पई वेरियस राइट अछि वेरियस प्रोविजन अछि ओके तो सेक्शन 40 कोन कहउछि द कंपनी मे अल्टर रूल एंड रेगुलेशन that are contained in articles and any time by special resolution passing a special resolution agar gotte kaam re ame taku changes kari pariya gotte step re ame taku change kari pariya kon jodi amaro content re article of association re ame content re kichhi articles lekhi jodi company ro rule and regulation pai ame jodi se rule and regulation ku kichhi changes kariya pai chaun jodi i mean to say kichhi alter kariya pai chaun jodi to se jagar amku kon kariya padiyo any time ko bhi time re कंपनी जदि चाहिबो गोटे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दबो आउ ताकु चेंज कर दबो सेक्शन 40 इडा कुछ सिमिलरली ए न्यू रेगुलेशन मे आल्सो बी अडॉप्टेड व्हिच शुड हैव बीन लॉफुली इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल आर्टिकल्स ओके सो जदि न्यू रेगुलेशन किछ अछि ताकु भी से अडॉप्ट करि पारियो बट केमती अडॉप्ट करि पारियो ना लॉफुली करियो ताकु जेमते कि सेडा ओरिजिनल आर्टिकल्स को लिंक थिबो ओरिजिनल आर्टिकल्स रे सेडा इंक्लूडेड थिबो तो सेमती से किछि आर्ट को बा रूल रेगुलेशन को सेठी यूज करि परियो जदि सेमती किछि नुवा रूल एंड रेगुलेशन से ऐड करिया पय चाहौ छै बट सेडा ऑलरेडी एक्जिस्टिंग रूल आर्टिकल्स रे ताको ऐड करिया पय परमिशन नै तो से केस रे से सेडा को केस को से जो रूल रेगुलेशन अछि ताको से ऐड करि परियो बट आमे जदि चाहिबा रूल एंड रेगुलेशन न्यू रूल रेगुलेशन को आमे सेथिरे अडॉप्ट करि परिया बट लॉफुली तो को अडॉप्ट करिया पडियो जेंति कि सेडा कंसीडर थिबो इंक्लूडेड थिबो ओरिजिनल आर्टिकल सहित ओके ऑल थ्रू ए कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अल्टरेड द आर्टिकल्स मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्टर्ड विद इन द 30 डेज ऑफ इट्स पासिंग टुगेदर विद एवरी कॉप इशूड देयर आफ्टर ओके तो 30 डेज भितरे जो पासिंग अछि रजिस्टर्ड माने आमे जतल ताकु स्पेशल रिजोल्यूशन दबा जो पास करिया चेंजेस पाई तो से जगह रे हमें कोन करिया ना रजिस्टर्ड ऑफिस को 30 डेज भीतर पासिंग नोटिस दबो एंड ता पाकर गोटे गोटे कॉपी एवरी कॉपी जो अछि ताको इशूड करिया आफ्टर 30 डेज पर ओके एंड सेक्शन 31 क्लॉज 2 आल्सो स्टेट दैट एनी अल्टरेशन मेड इन द आर्टिकल शैल बी वैलिड इफ ओरिजिनल कंटेंट ऑफ आर्टिकल शैल बी सब्जेक्ट लाइक टू अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन जो आमे जहाँ भी अल्टरेशन करू छते से अल्टरेशन जदि स्पेशल रिजोल्यूशन रे ऑलरेडी पास होबो वैलिड होबो ताले आमे ताकु वैलिड कोई परिया आउ ताकु आमे ऐड करी परिया हमर एक्जिस्टिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रे अगर सेडा जदि चेंजेस होउनी माने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करला रजिस्टर्ड ऑफिस रे 30 डेज पोरे से सेडा को इशू कलानी आई मीन टू से ताकु से वैलिड दउनी ता से जगह रे आमे से रूल रेगुलेशन को यूज करी परियानी हमर अल्टरेशन रे ओके तो आजिरो क्लास रे सिंपली एमओए एंड एओए रो अल्टरेशन ऊपर हमें पढ़िले ओके नेक्स्ट क्लास रे हमें प्रोस्पेक्टस तार मिस स्टेटमेंट ऊपर हमें डिस्कशन करिया ओके थैंक यू